नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह और आज आपको लाया हूं एक फूल गोभी के प्लॉट पर। यहां देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी इल्लियां या कौन कौन से कीड़े या कौन सी फंगस जनित बीमारियां लगी हुई हैं और उनका कंट्रोल कैसे किया जाए। कि दोस्तों, आप ये गोभी का प्लॉट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लॉट है और इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ चल रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें भी कई प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार की समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये आप पत्ते पर छिद्र देख सकते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की इल्लियां लगी हुई हैं। आप छिद्र देख सकते हैं, ये जो छिद्र हैं, पत्तियां कटी फटी हैं, इसकी ये पहचान है कि इसमें इल्लियां और सुनियाँ ये लगी हुई हैं, विभिन्न प्रकार के कीड़े लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आप इनकी पहचान करके आप इसमें दवाई का स्प्रे कर सकते हैं, आप इसकी लगा सकते हैं, आप कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, कोराजन भी लगभग सब प्रकार की सुनियों और इल्लियों का नाश करती है। और दोस्तों, एक टाटा की टाकू भी आती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, तीसरी जो दवाई आती है वो आती है इमामेक्टिन बेंजोएट, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दानेदार जो नूडल्स होते हैं उनके आकार की आती है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 15, 16 से लेकर 20 लीटर तक का जो हमारा टैंक आता है, जो टंकी आती है, उसमें आप 15 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से दवाई लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इल्लियों पर, विभिन्न प्रकार की सुंडियों पर इसका असर होगा और वो नष्ट हो जाएंगी। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि इसमें स्टिकर अवश्य मिलाएं, ये स्प्रेडर का काम करते हैं, और जैसा इस समय कोहरा है या बारिश होने की संभावना बन रही है तो वो ज़्यादा असर करती है और वो इस पर चिपका देती है दवाई को, और दवाई हमारी ज़्यादा असर करती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, ये पत्तियों पर स्पॉट बने हुए हैं, ये स्पॉट आप देख सकते हैं, ये फंगस का असर है। इसके लिए भी आप दवाई ले सकते हैं, इसके लिए आप ले सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं। इसके लिए एक एकड़ में करीब 150 लीटर पानी लेना है और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप मिलाकर स्प्रे कर दें। इसमें भी आप स्टिकर का प्रयोग कर सकते हैं मौसम के अनुसार, क्योंकि इस समय कोहरा छाया हुआ है, मौसम में आर्द्रता बनी हुई है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश का भी संभावना बनी रहती है, इसके इस्तेमाल करने से आपकी जो दवाई है ज़्यादा दिन तक असर करेगी और ज़्यादा असर करेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप गोभी की बराबर देखभाल करते रहें तो आपकी जो बीमारियाँ हैं गोभी के अंदर आने वाली, उनसे काफ़ी निजात मिलेगी और हमारी गोभी की फसल है अच्छी होगी और स्वस्थ होगी, जिससे हमारी जो लाभकारी मूल्य है वो बढ़ेगा और हमें फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप गोभी में बराबर देखभाल करते रहें, देखते रहें कि हमारी गोभी में कोई बीमारी आई हुई है, कोई कीड़ा है वो आया हुआ है, उसकी देखभाल करते रहें और दवाई का इस्तेमाल करते रहें। और दोस्तों, इसके अलावा भी यदि आपके खेत में कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में हमसे मालूम कर सकते हैं और हम आपको सही जवाब देंगे और सही जानकारी देंगे, उसके अनुसार आप अपनी दवाई का इस्तेमाल कर अपनी फसल को सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।